जीरो के फ्लॉप होने का लगा था झटका, इसलिए शाहरुख खान ने उठाया ये कदम। शाहरुख खान को आनंद एल राय वाली फिल्म जीरो से काफी उम्मीदें थीं और उस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। एल शाहरुख खान को शायद इस बात का झटका लगा था, इसलिए उन्होंने राकेश शर्मा की बायोपिक में काम करने से इनकार कर दिया था। एल ये अनुमान जाने माने स्क्रीन राइटर अर्जुन राजाबली रजब अली ने लगाया है। एल मुंबई में चल रहे फिक्की प्रेम सेमिनार में जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या सारे जहां से अच्छा को छोड़ने के पीछे ये वजह रही कि फिल्म जीरो में भी स्पेस थीम थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, तो इस पर उन्होंने कहा कि दुखती रंग पर हाथ रख दिया। एल मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने सारे जहां से अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी कि उस फिल्म में भी स्पेस से जुड़ी कहानी थी। एल शायद इसलिए कि वो जीरो के बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने के कारण थोड़ा हिल गए थे। एल वो उस फिल्म के सफल होने पर बहुत भरोसा कर रहे थे। एल उन्होंने कहा कि अगर फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा न लिखा गया हो तो वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंचता, फिर चाहे डायरेक्शन और एक्टिंग कितनी ही अच्छी क्यों न हो। एल जीरो के फ्लॉप होने के कई कारण हो सकते हैं। एल शायद उस समय दर्शक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हो जैसे किंग खान जीरो में बने थे। एल उन्होंने कहा कि जीरो के लेखक हिमांशु शर्मा बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। एल लेकिन जैसी की बातें चल रही हैं कि शाहरुख खान का राकेश शर्मा की इस बायोपिक को ना कहने के पीछे सिर्फ स्पेस पर आधारित फिल्म होना है तो ये सही नहीं होगा। एल बता दें कि महेश मथाई के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सारे जहां से अच्छा का स्क्रीन प्ले अर्जुन ने ही लिखा है और कहा जा रहा है कि विक्की कौशल इस फिल्म में लीड रोल करेंगे। एल